Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning friends, चाय पी लो। आज डेट है 4 जून और इस टाइम सुबह के 8:06 हो रहे हैं। हम लोगों का एक्चुअली आज यार सुबह 4 बजे निकलने का प्लान था, बट हुआ यूं कि नींद ज़्यादा ज़रूरी है। 7 बजे आँख खुली, सोचा 8 बजे तक निकल जाएंगे। 8 बजे ऑलमोस्ट अभी सारा का सारा हमने सामान यहाँ पर ऐसे फैला रखा है और बस अभी इसको बाइक पर सेट कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा हम लोगों ने इसलिए करा बिकॉज देखो नींद ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी थोड़ी सी लगेगी रास्ते में, वो हम झेल सकते हैं, लेकिन नींद प्लस गर्मी अगर लगेगी रास्ते में तो वो बिल्कुल भी नहीं झेली जाती। ये चीज़ हम लोगों ने कल की जो हमने 500-600 किलोमीटर लखनऊ तक कवर करे थे उस चीज़ में हमने ये चीज़ सीख ली है। बाकी बातें आपसे मोटर ब्लॉक पर करते हैं। गाइज आज का जो हमारा टारगेट स्टे है वो है बुतवल नेपाल में। अभी गूगल आंटी हम लोगों को दोपहर के 3 बजे तक का टाइम दे रही है कि अगर हम कॉन्टीन्यूसली चलते हैं तो हम 3 बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगे, बट आई डोंट थिंक ऐसा हो पाएगा। स्टिल विल ट्राई आर बेस्ट टू रीच ऑन टाइम। तो मैंने अपने हेलमेट का जो वाइज़र है एक्चुअली वो भी चेंज कर लिया। पहले मेरा क्लियर वाइज़र था, अब मैं टिंटेड वाइज़र चला रहा हूँ बिकॉज अब जो हमारी सारी जर्नी है वो रात की नहीं होगी, वो दिन दिन की ही होगी। और यार लखनऊ, मैं बस क्या तारीफ़ करूं यार मैं लखनऊ की। इतना प्यारा शहर लगाना हम लोगों को लखनऊ, बहुत ज़्यादा प्यारा। लखनऊ इज़ वर्थ विजिटिंग वंस इन अ लाइफ टाइम, और वो हमारा वंस भी आएगा कभी। यार एक बात और देखो, जितना भी टाइम हम लोगों ने लखनऊ में स्पेंड करा ना, उसमें आयुष्मान भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी, हम दोनों की, गौरव की भी मेरी भी। हमारे पास जितना टाइम था इस शहर में उसमें उसने हमको ये शहर घुमाया, हम लोगों ने एक दो जगह प्लेसेस करी, कुछ खाया पिया ढंग का। थैंक यू सो मच आयुष्मान भाई। यार बीच में एक बार आपा को रुकना मांगता है, रुकना पड़ेगा हम लोगों को बिकॉज गौरव को है ना चैन टाइट करानी है, उसको हर 700-800 किलोमीटर पे चैन टाइट करवानी पड़ती है। और बाकी यार अपना तो देखो आप लोगों को मालूम ही है, बेल ड्राइव है तो कोई ऐसा झंझट है नहीं, पर यार उसकी जो माइलेज देती है ना मेरे को बहुत जलन होती है यार। 70 किलोमीटर तक उसकी माइलेज टच कर जाती है। ये था अहमदपुर टोल प्लाजा जहाँ हमें कोई टोल नहीं देना। तो इस टाइम हम लोग पहुँचे हैं काटा चौराया, डिस्ट्रिक्ट है ये अयोध्या, और पीछे गौरव के बाइक की चैन टाइट हो रही है। इसके बहुत पंगे हैं तेरे को, पर हर 500,000 किलोमीटर पे चैन टाइट करना पड़ेगा ना, जब देख लेना पंगे किसके और किसके नहीं हैं। यार सही कह रहे हो। अभी क्या होता है, मैं ज़्यादातर केसेस में ना आगे रहता हूँ, ये पीछे हो जाता है तो मैं एक्सेलरेट करके आगे निकल जाता हूँ। जब पहाड़ आएंगे तो सीन एकदम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसका गियर ट्रांसमिशन है और मेरा ऑटोमेटिक होगा। तो अगर आपने एक चीज़ नोट करी हो या ना करी हो, हम लोगों ने राइट के जो स्टिकर्स है वो लगा लिए। हमारा राइट का मोटो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनके सपनों को उड़ान दो, और ये हमारी राइड है नेपाल सिक्किम राइड 2019। गौरव रंगीले यार मान या ना मान, तेरा हेलमेट है सेक्सी। देखो गाइस हेलमेट देखो इस लड़के का, यार कुछ मत देखो और, अरे मस्त। आगे ले ले 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 आगे ले ले। हेलो भाई आपका, वहाँ हमारा भाई रहता है। अच्छा जॉब आप करते हैं? अच्छा इधर आ जाइए भैया, यार धूप लग रही है इधर। यार धूप गर्मी की तो आदत है। क्या करते हैं भाई आप? हम पॉलिटेक्निक करते हैं। कहाँ से? यहीं फैजा से ही। कौन सी ब्रांच में? सिविल। फाइनल ईयर जी, आज पेपर भी है अभी 2 बजे से। अच्छा हमने कहा मिल लेते हैं। अरे यार आपकी यात्रा भैया मंगलमय हो। थैंक यू। तो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं फैज़ाबाद फ्लाईओवर, मतलब फैज़ा आसपास ही हैं।
तो कुछ भाई लोग हम लोगों से मिलने के लिए आए हुए थे। भाई एक बार अपना अपना इंट्रोडक्शन दे देना। जी शिवम त्रिपाठी। शिवम त्रिपाठी जी डिप्लोमा सिविल फाइनल ईयर। और ये भाई साहब मेरे बैचमेट हैं अरुण रावत। अरुण रावत ये भाई आपका नाम मनोज यादव। प्रभात यादव। प्रभात यादव। चलो बढ़िया है। मेरा नाम गौरव देसवाल। तुम्हारा नाम रंगीला। बस रंगीला। एक बार क्या कहे भाई से बोलिए जय श्री राम। ये आ गया बस्ती टोल प्लाजा। यहाँ हमें एक भाई मिलने के लिए कह रहा था। तो अभी हम बैठे हैं बस्ती टोल प्लाजा। बस्ती टोल प्लाजा पर ये कुछ इटरीज थी। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाया पिया है और यहाँ पर हमको दो भाई मिलने के लिए आए थे। ये तो है अज़द भाई और ये है सत्यम भाई, मिस्टर सत्यम मिश्रा। और ये अपना रंगीला यहाँ बैठा चार चार छः कोल्ड ड्रिंक पी गया आराम को। और अच्छा तो भाई ने हमें बहुत सही एडवाइस दी है। यहाँ से गोरखपुर ना जाने की बजाय पहले ही थोड़ा सा रास्ता डाइवर्ज होता है बॉर्डर के लिए। आज के लिए फ़िलहाल यही प्लान है। और ये दो भाई हमसे जो मिलने आए थे यार थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। हमको बहुत बढ़िया गाइडेंस दी है इन्होंने कौन सी नेपाली सिम खरीदनी चाहिए, करेंसी एक्सचेंज करानी है नहीं करानी है, परमिट्स वगैरह का क्या हिसाब किताब है। तो वो भी मैं आप लोगों को अभी मोटो ब्लॉग के थ्रू बताऊंगा रास्ते में। भाई साहब ध्यान रखना। टाइम हो चुका 2:19 और अभी हमने यहाँ इस ढाबे पर बैठ कर लंच करा है। और यार मतलब जब से निकले हैं ना अब पेट भर के खाना खाया थोड़ा और अब थोड़ी सी नींद आएगी। मज़ा आएगा। ये भी एक एडवेंचर है। तो गाइस ये वो ढाबा था जहाँ हमने अभी अभी लंच करा है, पॉलिटेक्निक चौराहा और फूड गैरेज द ढाबा बस्ती टोल प्लाजा से आगे। और ये यहाँ के जो केयर टेकर है भैया और गेट कीपर, अभी ये आपको एक बहुत प्यारा भोजपुरी गाना सुनाकर फूड गैरेज का, तो एक बार सुनना ज़रूर। दर्शक बंधुओं को सबसे पहले आलोक कुमार पांडे का प्यार भरा नमस्कार। तो साहब गाना हमारा पसंद आया साहब लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाने का हमारा बोल क्या है तो। अरे लेला तू डीना रे हमसे फुट गैरेज माँ छोरी, लेला तू डीना रे हमसे फुट गैरेज माँ छोरी, नाही तो बाटे कौनो याची छोरी, नाही तो बाटे कौनो याची छोरी, हमरा फुट गैरेज छोरी ऐसा ना वैसा, पानी के तराइया बहेला पैसा, फुट गैरेज के खाना छोरी बहुत मीठा ला, चिकन यो मटन यहाँ राइस मिलेगा, चिकन यो मटन यहाँ राइस मिलेगा, पॉलिटेक्निक बस्ती माँ बाटे ही फुट गैरेज, हाँ पॉलिटेक्निक बस्ती माँ बाटे ही फुट गैरेज, हाँ लिहल करा तू लंच डिनर छोरी, कैला हमसे मैरिज, हाँ कैला हमसे मैरिज, विशाल भैया आओ सच देवा के नाही कौनो ख्वाहिश, अरे अपना मैरिज मेरे छोरी बन के रही है गाइस, हाँ बन के रही है गाइस। अमन और विशाल भैया और सचदेवा भैया यहाँ के जो है हमारे जो है सेठ जी हैं। धन्यवाद साहब। अगर आपको ये गाना पसंद आया ना तो वीडियो पर एक लाइक बनता है, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो यार कमेंट तो करके जरूर भाई से जरूर मिलना भाई। आकर मिल जाना सर भाई से ज़रूर मिलना, ये आपको यहीं पर ही मिलेंगे। फूड गैरेज द ढाबा और पॉलिटेक्निक चौराया बस्ती टोल से थोड़ा सा आगे। शिट यार मैं कह रहा था यार पेट भर कर नहीं खाना चाहिए था, अब तो यार बस पहुंचने का मन कर रहा है, फटाफट से हम बुतवल में पहुंचें बॉर्डर क्रॉस करने के बाद और सो जाएं। जनपद आगमन पर धन्यवाद जिला पंचायत महाराजगंज। इसी के साथ हम
सनोली पहुंच चुके हैं। और ये ट्रकों की यार कैसी लाइन पड़ी, लाइन लगी हुई है बहुत लंबी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक यू, विजिट अगेन, बाय बाय इंडिया। इंडियन नेपाल बॉर्डर, अरे भाई भाई भाई, मतलब ये तो बॉर्डर एरिया है। ओए साइड में, और हमको पुलिस वालों ने रोक लिया। हरियाणा हाँ जी, सब है सर, सब है सर, सब है। आधार कार्ड दिखा दीजिएगा, पासपोर्ट भी कोई आवश्यकता ही नहीं है, एक इंडियन है तो आप इंडिया तक जा सकते हैं। आप लोगों का टूर कहाँ तक का है सर? हमारा काठमांडू पोखरा, काठमांडू। हाँ हाँ सर, इस पर हम पहले भी हरियाणा से लद्दाख होकर आ चुके हैं। हम दोनों है ना लद्दाख होकर आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। आप वहाँ जाने से आपको लाभ नहीं होगा, रिटर्न होना पड़ेगा। ले लो सर आरसी, ये हरियाणा। ये ऑफिशियल एंट्री होगी हमारी नेपाल में। और ये आ गए हम नेपाल के अंदर, बिल्कुल उस साइड। ओए लेफ्ट में इमिग्रेशन ऑफिस है। हाँ तो गाइस, नेपाल में हम लोग एंटर कर चुके, और अब सबसे पहला काम ये है कि हमारे जो डीएल और आरसी हैं उसकी हम लोग एक एक फोटोकॉपी करवाएंगे। मैं करवा दूंगा। और सामने उधर की साइड रोड पार करके इमिग्रेशन ऑफिस है जहाँ हमें वो जमा कराना है। कोई ख़र्चा ज़्यादा नहीं है, 106 रुपये एक दिन का खर्चा है। और ये जो मेरे पीछे अभी बंदा पड़ा था, ये एक्चुअली मेरे पीछे ये एजेंट है, नशेड़ी एजेंट है वैसे, ये मेरे पीछे पड़ गया कि यार आप मुझसे कराओ, और ये 100 रुपये चार्ज करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ से फोटोकॉपी करवाओ और वहाँ दे दो और फॉर्म भर दो बस। और इसी के साथ फोटोकॉपीज मेरे पास आ चुकी हैं हमारी, इसलिए हम यहाँ पर अपना एक स्टिकर प्लेस करेंगे। इन्होंने हमको बोल दिया कि आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा स्टिकर है, लाजवाब, हम भी आए थे नेपाल में लगभग। हम दोनों ने देखो 15 दिन का परमिट लिया है, ये देते नहीं हैं, पर वो थोड़ा सा ना दे दिया। भाई किस टाइम बंद होता है? बंद किस टाइम होता है ये? 10 बजे बंद होता है। इंडियन रात को 10 बजे बंद होता है नेपाली टाइम पर। सुबह 6 बजे खुलता है नेपाली टाइम। अलग अलग है क्या टाइम यहाँ? 15 मिनट का फर्क है। 15 मिनट का फर्क है यहाँ पे। हम लोगों ने करेंसी एक्सचेंज करा लिया 10,000 रुपये, ठीक है। और ये पूरा हेलमेट उठा रखा है मैंने, हम लोगों ने वहाँ से करेंसी एक्सचेंज कराई है। गौरव अपने पैसे एक्सचेंज करा रहा है इस टाइम पे। ये इधर एक डीलर भी था करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन हमने डीलर से नहीं कराई। ये भाई जो थे यहाँ फोटोकॉपी वाली दुकान है इनकी, इन लोगों ने हमें ऐसे ही बोल दिया कि यार आप हमें 10,000 दे दो और हम आपको दे देते हैं। इन्होंने इनकेस अपना कमीशन नहीं खाया, वो लोग अपना 2-4% कमीशन काट के देते। तो समझदार बनो, मूर्ख मत बनो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अभी टाइम यार बहुत ज़्यादा हो चुका है, आई थिंक 7:30 बज चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से सीधा बुतवल जाएंगे, ये कह रहे हैं लगभग 1 घंटे का रास्ता है, जो बहुत ख़राब रास्ता है। तो विश अस लक। अरे यार मेरा हेडलैम्प है ना, ये प्रॉब्लम आएगी मेरे को थोड़ी सी। हाँ उसके लिए गौरव आगे रहेगा। गौरव रोक ले। सर यहाँ पे इसमें सामान 15 दिन का घूमेंगे ना। अच्छा, जाना कहाँ है? हम लोगों को बुतवल जाना है, ये देखिए।
बुतवल यहाँ पर जाना है। हाँ जी यहाँ से यहाँ जाना। हाँ ठीक है चलिए थैंक यू सर बाय। आजा गौरव। थोड़ी सी चेकिंग थी इन्होंने बस इतना पूछा कि कहाँ जाना है और हम लोगों ने इन्हें नेविगेट के नेविगेशन के थ्रू बता दिया। गौरव भाई प्लीज़ आके आ जा मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या भाई फिलहाल तो बुतवल बुतवल पोखरा मुक्तिनाथ काठमांडू। तो देखो गौरव है ना गौरव अपनी हेडलाइट की चोट में आ रहा था कि भाई मेरे पास हेडलैम्प है तेरे पास नहीं है। तो मैंने क्या करा मगा यार तू रुक यार तू दो मिनट रुक फिर मैंने ये कर दिया। तो अपना बैग मैंने नीचे सेट कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मेरी खोई हुई सुपर पावर वापस मिल गई यार। तो सर हम लोगों को है ना हमारा होटल मिल गया है ये जो शीमा होटल है सामने ये एग्री हो गए हैं 1500 रुपये में 1500 नेपाली रुपये में। तो गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुतवल। कल रात को हम लोग नेपाल का बॉर्डर एंटर कर यहाँ पर एंटर हुए थे। हम लोग अपने होटल में करी ये हमारा होटल है बाय द वे पीछे जीमा होटल। तो कल रात को हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे और सीरियसली बताऊँ तो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज यार पीछे देखो उस साइड से हम आए थे कुछ भी नहीं दिख रहा और वहाँ वो सारे के सारे नेपाली पहाड़ है और अगर दूर देखा जाए तो मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल का सीन ये है कि अभी इस वाले व्लॉग को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। There's not a lie on what we want.